चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 13, है ना। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था, गॉस लॉ के एप्लीकेशन कर रहे थे कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेकेंड में हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज शोन इन फिगर, क्वेश्चन कह रहा है एज शोन इन फिगर अ क्लोज सरफेस, क्या कह रहे हैं, एक क्लोज सरफेस है, इंटरसेक्ट करता है एक स्फेरिकल कंडक्टर को, और कह रहे हैं अगर नेगेटिव चार्ज कैपिटल क्यू अगर प्लेस कर दिया हमने पॉइंट पी पर, कहां पर, ये पॉइंट पी पर प्लेस कर दिया, ठीक है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। तो कह रहे हैं कि जो क्लोज सरफेस है उससे आपका ये बताइए नेचर क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे निकलेगा, ठीक। गॉस का जो नियम है अगर उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान हो आपको, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ होगा क्या, जितना मैंने क्या बताया था जो टोटल चार्ज होगा क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, उसी को आपको देखना है, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, फाइव इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। तो इस देखो क्लोज सरफेस यहां बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है भैया, निगेटिव। लेकिन ये क्वेश्चन में आपकी हेल्प हो गई है ना, आपको ये पता नहीं था, आपको सिर्फ ये पता था। तो मैं पहले पूरा आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किया कराया गया। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट सिखाया था मैंने, चार्जिंग बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, करेक्ट वर्ड यूज करिए, वो मिलते जुलते कंसेप्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, चार्ज कहीं जा नहीं रहा, चार्ज अपनी जगह पर रुका हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगा, चार्ज मूव करेगा करंट के फॉर्म में, है ना, तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज करेंगे। क्या कर रहा है ये पॉइंट पी, पहले क्या बोला है पढ़ो इसको ध्यान से, कह रहे हैं फिगर को देखिए जो क्लोज सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर से। ये रहा तुम्हारा स्फेरिकल कंडक्टर, जब स्फेरिकल कंडक्टर है तो अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है बॉस, क्यों, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, हम नहीं कह सकते कोई चार्ज है। जब कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे, मतलब वो न्यूट्रल फेज में है, किसमें है, वो न्यूट्रल फेज में है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर होंगे, ठीक है। इस कंडक्टर को कोई क्लोज सरफेस कट कर रहा है, ठीक है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको भूल जाओ। तो मतलब देखा जाए तो ओरिजिनल कैसा रहा होगा, ओरिजिनल ऐसा कुछ रहा होगा, प्लस माइनस, यही होता है ना, न्यूट्रल तो ऐसा ही होता है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल हो गया। ये तुम्हारा कंडक्टर था, इसको हमने ऐसे क्लोज सरफेस से कट कर दिया, ठीक। ये देखो ये वाला फिगर मैंने यहां बना दिया, अब देखना ध्यान से, अब आगे बढ़ती, जैसे आगे बढ़ी वैसे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, कहां पर बैठा है वो, पॉइंट पी पर ये आया, और इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा आज फटाफट। अब ये नेगेटिव है तो क्या कहेगा, जितने पॉजिटिव थे बेचारे वो सब क्या हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए, और इन्फ्लुएंस हो गए सब एक जगह इकट्ठा हो गए, क्या ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन ये कह रहा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, भगाएगा फिर से दूर, यही सिखाया था, रिपल्शन फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, सारे नेगेटिव को एक तरफ इकट्ठा कर देगा, ठीक, एक तरफ सारे पॉजिटिव, एक तरफ सारे नेगेटिव। इसके वजह से अब आपको अगर देखे ध्यान से, ऐसे बीच से कट कर दूं तो आधा स्फीयर पे पॉजिटिव आधे पे, जो मेरा कर्व्ड पार्ट है जो कि नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, जब मैं क्लोज सरफेस बनाता हूं तो उसके अंदर आ रहा है। और मैंने क्या पढ़ा है, मुझे बस इतना सब पता है कि जब भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डजंट मैटर, मेरे क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज आएगा वही चार्ज हमें चाहिए, उससे अलग हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मुझे फ्लक्स देखना है तो मैं ये सब भूल जाऊंगा, ये मेरे को दिख नहीं रहा, मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना दिख रहा है तो उसके अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। आंसर आ गया, कैसे, गॉस लॉ लगा दिया, मुझे सिर्फ नेचर बताना है ना, मुझे वैल्यू तो बतानी नहीं थी। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर अनाइता आप बहुत लेट हैं, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ सर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन किया हमने लास्ट क्लास में भी, हम क्वेश्चन कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन क्या किया, यहाँ पर एक आपका फिगर था, देखो ध्यान से, क्लोज सर्फेस है, ये ओरिजिनल फिगर था, ये मैंने आपको बना के दे दिया इसलिए आपको आसान लगेगा। पहले ओरिजिनल फिगर ये था, एक कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर जिसपे पॉजिटिव और निगेटिव, अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो न्यूट्रल फेज में रहेगा, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, ठीक है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहे हैं अगर एक नेगेटिव चार्ज को स्मॉल कैपिटल क्यू को हमने प्लेस कर दिया किसी पॉइंट पी पर, तो यहाँ पर देखो एक चार्ज को प्लेस कर दिया, इससे क्या होगा आपको पता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला प्रोसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गए। अब जो हिस्सा हमने अपने क्लोज सर्फेस में रखा उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ रहे थे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सर्फेस, तो क्लोज सर्फेस को सिर्फ देखना है और बाकी सब में देखना नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज और नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, कंक्लूड करो इसको फटाफट लिखो। बुक खो गई, यहाँ बस लिखना है क्या, फ्लक्स विल बी एज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस इज, ठीक है ये ऐसे लिखना होता है, ठीक है अगर नोट हो गया नेक्स्ट करें। सर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, इसका टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे डिस्कशन तो हो जाएगा, बोर्ड्स के लिए आपका बहुत अच्छा है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, और इसी कंसेप्ट को आगे ले जाके हम लोग जब जेई और नीट के क्यूएनए करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसा है। अगर एक पॉइंट चार्ज है, फटाफट देखो ये क्वेश्चन आपको तुरंत कर लेना चाहिए बिना पेन चलाए, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इतना बड़ा सा टेबल आपको दिया था, है ना, अगर वो अगर पढ़ा होगा तो कर लोगे। कह रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, उसी के ऊपर बेस्ड है, इफ अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, एक चार्ज कैसा सा है स्मॉल क्यू, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, तो फटाफट एक क्यूब बना लो, ठीक है क्यूब बन गया भाई क्यूब, ठीक है क्यूब हो गया तुम्हारा ये, इसकी सारी साइड क्या है इक्वल है, ठीक है इज इट क्लियर। चलो अब मैंने कहा सेंटर पे मुझे एक चार्ज रखना है, मैंने रख दिया, लीजिए आपके लिए, ठीक है एक मैंने सेंटर पे चार्ज रख दिया, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या। पहला वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि टोटल फ्लक्स जो पूरे क्यूब के लिए है, तो क्यूब कैसा है, क्लोज सरफेस है कि नहीं है, आंसर इज यस। अगर जैसे ही समझ में आ गया गॉस लॉ ने क्या बोला था कि मेरा जो ये लॉ है ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज सरफेस मतलब जिसके अंदर कुछ वॉल्यूम हो, जिसके अंदर आप किसी चीज को पैक कर सके, जैसे एक बॉक्स है ना, तो ये कैसा है, बॉक्स को हर तरफ से आप बंद कर दोगे तो क्या है, क्लोज सर्फेस है ना, बस वही बात को याद रखो। तो इसका एक सेकेंड में आंसर क्या आ गया सर, फर्स्ट का आंसर कुछ मत बताना, ये हो गया, ठीक है। कैसे सर, क्यू नेट देखा जाता है ना, सेकंड का आंसर कौन बताएगा, इसमें इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्या कह रहे हैं, विद ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर फेस कितने फेस होते हैं पहले ढूंढो, 6 फेस हैं, तो कह रहे हैं कि हर फेस पर कितना फ्लक्स होगा, 6 से भाग दे दो, यही ट्रिक सिखाई थी ना मैंने, जितने अलग अलग आप सेंटर से जितनी फील्ड लाइन इधर जा रही है इधर जा रही है तो हर तरफ बराबर जाएंगी, मैंने यही सिखाया था, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, वो उसका जो फील्ड है उसकी वजह से वो बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स ना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बी, ये हो गया तुम्हारा ए, समझ में आ गया, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दो स्फीयर हैं S1 एंड S2, ठीक है, R2 कंसेंट्रिक, अच्छा माफ करना, हाँ ठीक है, स्फीयर बोल दिया कोई बात नहीं, हॉलो स्फीयर बोल दूंगा मैं, हॉलो स्फीयर मतलब शेल्स हो गई, ठीक है, इंक्लूजिंग अ चार्ज Q एंड 2Q रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड बताओ भाई, ये बहुत आसान है, आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है, बस सोचो थोड़ा सा। मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था तो तुम लोगों ने खुद बताया था आंसर, मैंने कुछ नहीं बताया था उसमें, कौन सा, एक तो मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस करवाया था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता था, हम लोगों ने इनसाइड वाला एक केस किया था, एक आउटसाइड वाला केस था, एक एट द सरफेस, उसमें कुछ चेंज नहीं आया था, जो इनसाइड वाला था तो हम लोगों ने बोला था कि जितना आप रेडियाई ले रहे हो उतने का ही जो चार्ज लेना है सिर्फ, है ना, ये केस उसी से बन रहा है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। चलो अच्छा ये बताओ इनर स्फीयर के लिए कौन बताएगा, इसके लिए बता दो, अच्छा सिर्फ इसके लिए, स्फीयर नहीं बोलूंगा, हॉलो स्फीयर बोलूं या तो तब सही है, या तो शेल बोलूं, शेल का मतलब भी क्या होता है, हॉलो स्फीयर, ठीक है, तो ये आपको बताइए S1 के लिए बताइए कितना फ्लक्स होगा, जल्दी से बताइए मुझे, गलत ही बता दो, कुछ तो बता दो सर, इसके अंदर चार्ज कितना है क्यू, तो सर ये हो जाएगा, तो मैं कहूँ गलत नहीं, ये परफेक्ट है, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया, क्लियर है, क्लियर है, नेक्स्ट आगे सोचो, अब क्या कह रहे हैं, रेशियो निकालना है, तो पहले S1 के लिए निकाल ले, फिर S2 के लिए निकाल ले, तो 5S2 कितना हो जाएगा, अब मैं ये देख रहा हूं बड़ा वाला शेल, इस शेल के अंदर कितने चार्ज हैं, 2Q भी आ रहा है और Q भी आ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2Q प्लस अपॉन, ये सब किसने सिखाया, गॉस साहब ने, तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा, 3Q अपॉन, इतना ही तो करना था, अब रेशियो पूछ रहा है, तो 5S2 अपॉन, ठीक है, 5S2 अपॉन 5S1 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अब मुझे जल्दी से आंसर तो अब तो बता दीजिए, बताइए भाई, अब आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, आप तो आंसर बताओ डिवाइड करके बताओ, 3 नहीं आएगा बेटा, ठीक है ट्राई करोगे तो, मतलब 3/1 बोल सकते थे तुम, ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, ये इधर आएगा, ये बचेगा सर 3Q/Q, आंसर क्या आ गया, 3:1, ठीक, अगर S1 से S2 की तरह देखोगे तो यहां पर ऐसे लिखोगे पहले 5S2:5S1=3:1, या फिर और क्या आंसर लिखोगे, हमेशा ऐसे ध्यान रखना कभी भी गलत ना हो, 5S1:5S2=1:3, दोनों आंसर परफेक्टली फाइन है, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखो तब तो मजा आएगा, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant is introduced in the space within S1 in place of air. अब हमने कह दिया कि medium को हम change कर रहे हैं, और मैंने आपको सिखाया था कि जो ये epsilon naught होता है ये क्या बन जाएगा आपका, वहां पर आपका epsilon naught बदल जाएगा epsilon से, है ना, और इधर बोला हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मीडियम का आपका परमिटिविटी हो कितनी हो गई एप्साइनल 1, तो अब कह रहे हैं कि अब बताओ कि पूरे वैल्यू में कितना चेंज आएगा, बताइए, तो कह रहे हैं फ्लक्स थ्रू S1 ही पूछ रहे हैं सिर्फ, तो अब इसके अंदर पहले कितना था, पहले आपका एयर था, बाद में क्या हो गया एप्सिलॉन आर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एप्सिलॉन नॉट ही तो चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन S1 कितना आएगा, इट विल बिकम्स
1 अपॉन एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है, इसको आर कर लो क्योंकि मैंने आर लिख दिया है। अच्छा ये लिमिट के बाहर आ रहा है इसलिए लिख नहीं सकते, एप्सिलॉन आर कर लो। ठीक है ओके। ठीक है इसको ऐसे डैश लगा देना। कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो मुझसे, कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूं क्या समझ नहीं आएगा आपको। आपको समझ नहीं आएगा ये एप्सिलॉन आर कैसे आ गया सर, क्योंकि ध्यान से समझिएगा इन एयर, एयर में क्या होता है, पहली बात तो जान लीजिए परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है एप्सिलॉन, एक्चुअल फॉर्मूले में क्या होती है परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। ठीक है लेकिन फॉर एयर जो कि जनरली 90% जो जितने डेरिवेशन होते हैं वो सब किसके लिए होते हैं, एयर के लिए होते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, जिसको एप्सिलॉन क्या होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है अब इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू फॉर एयर एप्सिलॉन आर क्या होता है 1। तो सारे फॉर्मुलेज में हम क्या यूज करते हैं परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, क्योंकि इनटू में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मीडियम में जाते हैं ये एप्सिलॉन नॉट तो अब चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज अब ये 1 नहीं रहा। फॉर एनी मीडियम जो डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो पूरे फॉर्मूले में क्या बदलेगा, यही तो बदलेगा। तो मैं यहां से ये चीज कह सकता हूं कि जो आपका फॉर क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूं कि एप्सिलॉन S1 डैश, ये डैश का मतलब क्या है, जब मीडियम आ गया तो जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू, देखो ये पुराना वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्या था, पुराना वाला फ्लक्स, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू पुराना वाला फ्लक्स। क्या मैंने सही किया, सही किया, क्योंकि चेंज क्या है सिर्फ यही तो एक चेंज है, ये हो गया तुम्हारा आंसर इसका। ठीक है मैं कुछ चीजें मिटा के अलग करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये पहला सोल्यूशन है ना तो इसमें अलग करना पड़ेगा, कलर चेंज करता हूँ मैं आपके लिए, कलर चेंज कर रहा हूँ, कचरा हो गया ना, चलो मैं दोबारा से अच्छे से अलग से लिख देता हूँ, छोड़ो है ना बी, और पहले ये नोट हो गया तो बी के लिए मैं अलग से लिखता हूँ, अलग से सॉल्व भी करता हूँ। ठीक है चलो मैं बी वाला सॉल्व करता हूँ, बी वाला यहाँ लिख रहा हूँ बी। ठीक है तो B क्या हो जाएगा, अब मीडियम क्या हो गया, फॉर मीडियम, मीडियम क्या हो जाएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका एप्सिलॉन आर। ठीक है तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, दब आपका 5S1 डैश कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। हम चाहे तो हम Q upon epsilon को from equation number 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5S1 upon epsilon R। ठीक है यहां से क्या हो गया कि आपका जो नया flux होगा वो 1 upon epsilon R times होगा flux in air, जब आपका मीडियम क्या था एयर था उस समय जो फ्लक्स था उसको आप 1 upon epsilon से epsilon R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नया फ्लक्स मिल जाएगा। इज इट क्लियर, चलो बेटा आपको समझ में आ रहा है, चैट पर रिप्लाई करिए बच्चा। ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड शोन इन फिगर ex इज इक्वल टू अल्फा इनटू x की पावर 1/2 और ey ez 0 दिया हुआ है, तो मतलब सिर्फ x एक्सिस के अलावा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x एक्सिस के अलावा है इसका मतलब है कि जो भी आपके प्लेन होंगे x एक्सिस के परपेंडिकुलर, कौन से देखो ये वाला फेस लेफ्ट और राइट साइड वाला फेस छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए आपके इसमें जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगी। हमने फॉर्मूला यूज कर लिया तो फाइन इट आ गया फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट, और उसके बाद में फाई की वैल्यू की es cos थीटा es cos थीटा, फिर e की वैल्यू हमने उस फॉर्मूले से लगा ली अल्फा इंटू एक्स था और एक्स क्या है दूरी ही तो है उस सरफेस की दूरी, यहां से यहां ए था और ये दूसरा वाला सरफेस ए प्लस ए 2a हो गया,
मैंने बस वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया। अब आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए, मुझे आंसर बताइए, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइए, कौन बताएगा? थोड़ी सी नॉइज होगी वीडियो में क्योंकि कैंपेन चल रहे हैं, उसका मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा ई टू द पावर 1/2 प्लस 2 कितना होगा? 5/2। ये देखो ना, ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 2, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 2 कितना होगा? एलसीएम निकाल लो बेटा, 1/2 प्लस 2 अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ क्या देखो, प्लस यहाँ रूट है, पावर क्या है, 1/2 करोगे तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर पता है एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी चीज जैसे रूट ए भी लिखी हुई है तो आप अलग अलग लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, रूट ए इंटू रूट बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू रूट टू इंटू ए की पावर 1/2 और इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? ए की पावर 5/2 और यहाँ पर भी अल्फा रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, सही चल रहा है? देखो तो इसको रीअरेंज कर रहा हूं, देखो ये प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ और माइनस वाले को पीछे लिख रहा हूँ, ये हम कर सकते हैं एडिशन में आसानी से। तो अल्फा रूट टू ए की पावर कितनी जाएगी? 5/2। कैसे? फिर से 1/2 प्लस 2 करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी तो 5/2 बन जाएगा। उसके बाद माइनस अल्फा ए की पावर कितना हो जाएगा? 5/2। देखो ध्यान से, पहले वाले टर्म में और दूसरे टर्म में दोनों में अल्फा और ए की पावर 5/2 आ रहा है, इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अल्फा ए की पावर 5/2 और बचेगा क्या? देखो यहाँ रूट 2 बचेगा वहां पर, माइनस 1। ठीक है, और ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा। और उसके अल्फा की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, यहां पर कितनी है अल्फा की वैल्यू? कितनी होगी? 5 पुट करनी है सिर्फ। तो अब यहां क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आपका? 5 × 1 की पावर 5/2 और यहाँ क्या बचेगा? √2 − 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा PYQ है, बस तुम लोग को बताने के लिए मैंने बता दिया। मेरे क्लास में हमेशा से PYQs होते हैं लेकिन मैं कभी भी मेंशन नहीं करता, क्योंकि अगर मेंशन कर दूंगा तुम वैसे ही हार मान लोगे, तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये PYQ था। ये तुम कर लोगे आसानी से, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं। एक सेकंड बेटा, बस एक आपके लिए स्लाइड ऐड कर लूं, ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे ना, नहीं ये अभी क्वेश्चंस आएंगे। चलो देखो, इसके बाद देखो फटाफट ये इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 5 कितना हो जाएगा? 5 नेट विल बी इक्वल टू सर 5 और इनटू 1 की पावर कुछ भी होगी तो आंसर 1 ही आएगा, और अंदर क्या था? √2 − 1। √2 की वैल्यू लिख लीजिए 1.414। ठीक है, डॉट डॉट करके लिख सकते हो, 1.41 लिख सकते हो। यहां क्या जाएगा? 5 × √2 की जगह क्या लिख दूं मैं? 1.4 − 1 5 × 0.414। करो, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 2.0। ठीक है, कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं सकता हूँ इसका? आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो वैल्यू? कैसे किया मैंने? अप्रोक्स ले लिया, मुझे पता है कि इससे ज्यादा आएगा, लेकिन 5 × 4 = 20 होता है ना, और
डेसिमल प्लेसेस लगा दोगे तो ठीक है, तुम पीछे से मल्टीप्लाई करोगे ना, कर लेना ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, इज इट क्लियर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस यूनिटी क्या होता है, माइनस वन, तो इसमें दिक्कत क्या होगा, रुकिए जरा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, वैल्यू पुटिंग में कोई दिक्कत हो गई क्या, ये समझ नहीं आया ये कैसे हो गया, ये आगे पीछे कैसे होगा, सॉल्व कैसे हो गया ना। तो ये वाला पार्ट पहले देखो, ठीक है पूरा देखो। ई लेफ्ट समझ में आया, ई लेफ्ट समझ में आया, ई लेफ्ट वाला मतलब ये वाला फेस, पहला वाला फेस, इसकी दूरी कितनी थी, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई ए, और यहाँ एक्स की वैल्यू रूट के अंदर पुट करनी थी तो ए की पावर 1/2 होगा, मैंने यहाँ रूट ए लिख दिया, और ई के फॉर्मूले में एक अल्फा था, अल्फा इंटू रूट एक्स था, और हमने अल्फा इंटू रूट ए लिख दिया, गलत कर दिया कुछ, सही है। और सरफेस का एरिया कितना है, अरे भैया क्यूब है, सारे स्क्वायर से बने हुए हैं, है ना, सारे फेसेस स्क्वायर होंगे, स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो कैसे पता चला मुझे, ये भी समझ लो, ये देखो फ्रंट में दिया हुआ है, अगर आपका फ्रंट फेस का एक डायमेंशन ए है, इसका मतलब पूरे क्यूब का डायमेंशन ए ही होगा, है ना, सारे जितने भी लेंथ होंगे, तो इसका मतलब है इसका एरिया निकालना है तो ए स्क्वायर ही होगा, तो मैंने वहां से ए स्क्वायर लिख दिया। और कॉस 180 क्या होता है, कैसे पता, देखो ना ये एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, दोनों के बीच में 180 बन रहा है, तो कॉस 180 माइनस, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, वो वाला एरिया उसकी जो सरफेस है वो कितनी दूरी पर था, ए और एक और, देखो ना ए प्लस ए 2a, एक्स वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने वहां पे उठा के 2a, लेकिन रूट के अंदर थी, रूट एक्स था ना, तो अल्फा इंटू रूट 2a हो गया, इंटू अब फिर से एरिया, फिर से इस फेस का भी तो एरिया उतना ही होगा, दैट इज ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 क्या होता है प्लस 1, डन। अब मैंने इसको जब सॉल्व किया तो मैंने क्या देखा कि यार ये रूट 2 इंटू a है, तो मुझे 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, जिसका मतलब ये है कि अगर रूट के अंदर दो अलग अलग डिजिट्स हो मल्टीप्लिकेशन में, उनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, तो रूट टू मैंने अलग कर दिया, रूट ए को अलग कर दिया, यहाँ पर रूट टू, और देखो ए की पावर 1/2 करके और उसको ऐड कर दिया, ये देखो ये वाला, ठीक है, इज इट क्लियर। बस उसके बाद आपका मैंने यहाँ वाले स्टेप में क्या किया, ये निगेटिव आगे लिखा हुआ था तो मैंने उसको उठा के पीछे कर दिया, वो तो आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो ना, ये तो बेसिक है, तो बस यहाँ सॉल्व करता गया, फिर मैंने देखा अल्फा और ए की पावर 5/2 दोनों टर्म में आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा रूट टू, यहाँ बचा माइनस वन, तो ये हो गया तुम्हारा। फिर ए की वैल्यू 1 थी, कैसे पता, क्वेश्चन में दिया है, तो ए की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 की पावर कुछ भी होगा, आंसर क्या आएगा 1, और फिर लास्ट में मैंने रूट टू की वैल्यू पुट कर दी। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ आपका, ठीक है, सवाल आपका भी खत्म नहीं हो, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी बचा है, कह रहे द चार्ज विद इन द क्यूब, जिस चार्ज के कारण आपने ये फील्ड वेव निकाली है वो बता दो। तो चार्ज निकालने के लिए हमारे पास तरीका है, क्योंकि हमने फ्लक्स निकाल लिया, तो गॉस के नियम के तहत मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि फ्लक्स क्या होगा, बताओ, टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्साइलन नॉट, तो टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे फ्लक्स से क्या मल्टीप्लाई कर देना है, एप्साइलन नॉट का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। एप्साइलन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, ठीक है, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एप्साइलन नॉट की वैल्यू नोट कर लो, 8.85 × 10⁻¹2, यहाँ पर बस तो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको मैंने 2 ले लिया था, 2 × 8.85 × 10⁻¹2, और आंसर किस में आएगा, हमेशा चार्ज है तो कूलम्ब में आएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, करके देखो और मुझे बताओ, ठीक है, ये आप फाइनल आंसर लिख लो, यहाँ आएगा 1.77 × 10⁻¹11 कूलम, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आप जितना नोट करना है
नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है, दो पॉजिटिवली चार्ज है, लॉन्ग वायर है, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 का मतलब क्या है कि दोनों वायर का अपना अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसमें आपका वायर नंबर 1 का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और लैम्डा 2 पर चार्ज की डेंसिटी कम है, और दोनों पैरेलल है, और ओरिजिन से एक की दूरी, अगर ओरिजिन से आप डायरेक्शन जाते हो कितना जाते हो, ए मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, तो आपको माइनस ए पे क्या मिल जाएगा, x = -a पर आपको लैम्डा 1 मिल जाएगा या फिर वायर 1 मिल जाएगा, और x = + a पे जाते हो कहां से, ओरिजिन से राइट साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 2 या फिर वायर नंबर 2 जिसकी डेंसिटी लैम्डा 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ भी x कोऑर्डिनेट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी वो पॉइंट कौन सा होगा। सवाल समझ गए, अब दिमाग लगाओ अपने, थोड़े बहुत दिमाग जो है वो सब लगाइए। तो हम कह रहे हैं कि पहले ही क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि x कोऑर्डिनेट पे मतलब इस पर ही कहीं होगा, मान लेते क्योंकि ये लैम्डा 1 ज्यादा है मतलब इस पर चार्ज ज्यादा रहा होगा ना, देखो ना लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, यही तो होता है, दोनों कह रहे हैं इनफाइनिटली लेंथ है, तो मतलब दोनों की लेंथ बराबर ले सकते हैं हम लोग, है ना, इसका मतलब क्लियरली है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में अगर मैं कह रहा हूं कि लैम्डा 1 ज्यादा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है when q1 is greater than q2, क्योंकि l दोनों का सेम है ना, दोनों इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, तो there is only one chance that q1 is greater than, ठीक है। अच्छा इक्विलिब्रियम एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, इक्विलिब्रियम ऑफ 3-4 सिस्टम, अगर आपने पढ़ा है मेरी क्लासेस तो आप लोगों को लगता है कि तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं होगा, लो भैया हो गया इस्तेमाल, जो चार्ज मजबूत होता था उससे दूर रखते थे हम लोग, है ना, और जो कमजोर था उसके करीब रखते थे, हमें हमेशा पॉइंट मिलता था वहां पर जो उसका कारण होता था ना, बहुत सिंपल था यार, F = क्या होता है k q1 q2 upon r square, अगर मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करना है तो मैं क्या इंक्रीज करूंगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा ना, और अगर फोर्स हमें बढ़ाना है तो r को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि बेचारा एक पेयर ऑफ चार्ज बहुत कमजोर है, मतलब मैंने बोल दिया एक चार्ज कमजोर है और एक चार्ज मजबूत है, उसके करीब रख देंगे तब तो भूल ही जाओ इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरफ हो जाएगा, वो खींच लेगा, लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता था उस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वाले में जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, मतलब जो पहला वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है और जो दूसरा वाला लगा रहा है दोनों का इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, ये क्वेश्चन होता था, पता ये कंसेप्ट वहीं से उठ के आएगा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जीरो हो जाएगी, अरे बड़े भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, जब एफ आपका जीरो होगा तभी, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ढूंढ लो, जहां पर नेट फोर्स जीरो वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देखो रिलेट कर पाते कभी, यही होता है, ठीक है, आप अगर कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे, तो हमने मान लिया लेट अ पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, हमने क्या मान लिया एक पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और जिसकी डिस्टेंस आप कितनी भी ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है प्लस एक्स, कितनी है, तो मतलब मैं ये जानता हूं कि अगर मैं पॉइंट पी ले रहा हूं तो एट पी E1 विल बी इक्वल टू E2 कह सकता हूं ना, ठीक, तो E1 का फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर, तो करिए कुछ करिए, कुछ दिमाग लगाओ, तो इसके लिए इसी के लिए आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है पता है, इसी के लिए आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, एट एनी पॉइंट पी, सुनना ध्यान से, एट एनी पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अ इनफाइनिटली लॉन्ग वायर, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ इनफिनिटली लॉन्ग वायर, पढ़ाया है ना उसको, इसीलिए पढ़ाया है ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए, ना कि सिर्फ कॉपी में लिख लिया जाए। ठीक है, अब मुझे पूरी नोट्स पीछे ले आनी होगी जो कि इस वाले नोट्स में नहीं है, अपनी कॉपी फटाफट ढूंढो नहीं तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप, मैं देख रहा था कि आप लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे थे, लेकिन जरूरत क्या है जब आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है तो। ठीक है, तो क्या करोगे यहां पर, फॉर्मूला क्या होता है, 2k λ/r, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, k क्या होता है, 1/4πε0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2k, इवन के लिए कौन सा डेंसिटी कितनी है, लैम्डा 1, और r कितना होगा, a प्लस x। देखो ना इस पॉइंट की दूरी कितनी है, मैग्नीट्यूड लेना है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x, टोटल कितनी हो जाएगी a प्लस। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, e2 में भी 2k, k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, 1/4πε0, और अब डेंसिटी कितनी जाएगी, लैम्डा 2, और इस बार क्या हो जाएगा, a माइनस x। कैसे किया मैंने, यहां देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी a, और ये बीच में क्या पॉइंट में कितना है x, तो a में से अगर x घटाएंगे बचेगा क्या, यही तो बचेगा, तो ये हो गया तुम्हारा सलूशन। अब सॉल्व कर लो, हमें क्या निकालना था, हमें पॉइंट पी निकालना था, एक्स निकालना है, हमारा एम क्या है, एक्स निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ठीक है क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा 1 इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2k लैम्डा 2 इंटू ए प्लस। ठीक है, अब जो कट सकता है उसको काट दो, 2k कट जाएगा, बचेगा क्या, a इंटू लैम्डा 1 माइनस x लैम्डा 1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, a इंटू लैम्डा 2 प्लस x इंटू लैम्डा 2। अब करके मुझे x की वैल्यू बताओ, अब तो कर लोगे, नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसका कोई रीजन नहीं हो सकता सिवाय इसके कि सर ये कैसे आ गया, है ना, तो इसके लिए आपको नोट्स पढ़नी पड़ेगी जो कि हमने पढ़ाया है। ठीक है, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सारी, ठीक है, सिंपल है बहुत। ठीक है, चलो करो, हाँ हाँ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। यस सर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो सर, ये है, यही तो है, यही तो मुझे आता था, क्यों नहीं बता पा रही, लैम्डा अपॉन 2πε0r लिखा हुआ है, उसको तुम चाहो तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कैसे, बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो ना, हाँ 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये देखो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन, ये देखो हो जाएगा 4πε0 इंटू, ये क्या है, r है, अरे अब ये 1/4πε0 क्या लिख सकते हैं, k ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2k λ/r, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक वायर है इनफिनिट लेंथ का, हमने कह लिया था एक सिलेंड्रिकल लिया था उसका गॉसियन सरफेस, बहुत अच्छे से पढ़ाया था भाई, तब भी नहीं बता पा रहे हो यार, क्योंकि आप कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िए क्या वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा,
देखो वापस से देखो, अब रिलेट कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ फंस गए, अच्छा हुआ, देख लो फिर से क्या लिखा हुआ है, टू पॉजिटिव इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यही तो वहां पर लिखा, हेडिंग मैच करना सीखो, उसके लिए क्या करना है, हेडिंग को अच्छे से पढ़ना है, जब हेडिंग ही नहीं याद रहेगी तो रिलेट कैसे कर पाओगे, जब आपको मैंने बोला ना, मैंने पढ़ाया था आपका इनफिनिटली लॉन्ग वायर होता है, तो इस वायर का किसी भी पॉइंट पी पर आपको निकालने के लिए था वो फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखो ना, एक बार इसको देखो और ये पॉइंट भी देखो, तो आर क्या है इसके बीच की दूरी, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, टू के लैम्डा अपॉन आर था, आर आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम जो आपका वायर है, तो यहाँ पर लिख दिया, और ये E2 क्या है, अगेन सेम, इसके वजह से भी तो पॉइंट भी कोई लगेगा 2K लैम्डा, अब उसका लैम्डा अलग था, ठीक है, मैं जानता हूँ चेहरा दिख रहा है आप लोगों का, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, पुराना टॉपिक अगर रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, मैंने फिर कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका 2K 2K कट गया, अब तो कर लोगे सर, ए कट जाएगा और ए नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कौन सर, ये इधर आ जाएगा ना, हां पहले इधर तो कर लो, माइनस ए लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स लैम्डा 2 प्लस एक्स लैम्डा 1, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका ए बाहर आ जाएगा, कॉमन जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सर ए काट नहीं सकते, कैसे काट दोगी ये तुम, डेंसिटी हाँ ट्वेल्थ में है, थोड़ा सा गरिमा रखिए, ट्वेल्थ क्लास की, समझ में आया गलती क्या कर रही, फिर क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेंगे, आखिरी स्टेप क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या, लैम्डा टू, लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन इज इक्वल टू, अब यहां से क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, ए और क्या जाएगा, लैम्डा वन माइनस, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक था, ठीक है, ओके, अनाहिता तो पूरी क्लास में आज बोली नहीं है, हमें लग रहा है कि बस लाइव आके फिर जो है या तो कोई दिक्कत होगी, ठीक है, ये हो गया, नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नया चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चलिए थैंक यू।